मंच पर विराजमान असम के जुझारू नेता श्री हेमंत बिश्व शर्मा जी, श्रीमान संसद के मेरे साथी श्रीमान राम प्रसाद शर्मा जी, श्री केशाराम बोरा जी, श्री देवानंद हजारिका जी, श्री उत्पल बोरा जी, राव गजेंद्र सिंह जी, विष्णु देवरी जी मंच पर विराजमान, सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मोरोमार असमवासी राई जोई जोईते मोई होको लुके रंगोली रंगली बिहू शुभेच्छा जोनाई बोहाग बिहू परिवर्तन आने मन रंगाली कोरी तुले सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रणेता श्रीमान शंकरदेव जी के प्रिय शिष्य माधव देव की धरती को मैं नमन करता हूं, शत शत नमन करता हूं। मैं कभी कभी सालों से आसाम मेरे लिए नया नहीं, मैं बहुत वर्षों तक संगठन का कार्य करने के लिए आसाम में आया करता, जिले जिले का मेरा दौरा होता था, मंडलों का दौरा होता था और मैं यहां के जीवन से भली भांति परिचित रहा, यहां की समस्याओं से भी परिचित रहा हूं। और एक बात कई वर्षों से मैं सुनता आया और वो बात ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी इलाके की उपेक्षा क्यों, ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी भूभाग पर अन्याय क्यों, ब्रह्मपुत्र नदी के उस पार क्यों परेशानियां, यह अन्याय का भाव लंबे अरसे से यहां के लोग अनुभव करते रहे। भाइयों बहनों, सरकार के लिए अपना पराया कोई नहीं होना चाहिए, मेरा तेरा ये सरकार को शोभा नहीं देता और इसलिए अगर दिल्ली सरकार में हम बैठे हैं तो हमारा एक ही मकसद रहना चाहिए कि हिंदुस्तान के सभी भूभाग को समान हक मिले, समान न्याय मिले, विकास के समान अवसर मिले। भाइयों बहनों, लेकिन आसाम में यहां की राजनीति कांग्रेस पार्टी ने ऐसी बना दी है कि कई समाजों की उपेक्षा, कई इलाकों की उपेक्षा और एक प्रकार से
क्रिमिनल नेग्लिजेंस यहां राजनीतिक कारणों से बढ़ती गई है। अगर आसाम का भला करना है तो इन भेदभाव से मुक्ति दिलानी होगी, मेरे तेरे हिसाब बंद करने पड़ेंगे। पूरा आसाम एक है, पूरे आसाम का कल्याण हमारा मकसद है, हर आसामी का भला, यह हमारा इरादा है और उस दिशा में चलना। मैं तो कभी कभी हैरान हूं, कांग्रेस पार्टी को, यहां की सरकारों को उस पेशिये तो अपने लगते हैं लेकिन असमिया उनको अपने नहीं लगते। कुछ पेशियों के लिए तो सोने की थाली में सब परोसा जाता है और असमिया से बचा खुचा भी छीन लिया जाता है। भाइयों बहनों, राजनीति इतनी विकृत नहीं होनी चाहिए। राजनीति सिर्फ सत्ता पाने के लिए नहीं होनी चाहिए। हम राजनीति क्षेत्र में आते हैं समाज का कल्याण करने के लिए, समाज का भला करने के लिए, गरीब से गरीब का भला करने के लिए, किसान का भला करने के लिए, नौजवान को रोजगार देने के लिए। लेकिन भाइयों बहनों, मैं तो आजकल हैरान हूं, मुझे कुछ लोग असम के थोड़े समय पहले मिलने आए थे, वो मुझे कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी, हमने तय किया है इस चुनाव में ई बोलना ही नहीं है। मैंने कहा क्यों भाई, तुम्हारा ई से क्या झगड़ा हो गया? बोले आपको समझ नहीं आएगी, जब असम आओगे तो समझ आएगी। मैंने कहा मुझे समझाओ तो सही, ये ई से आपका क्या झगड़ा हो गया, आप ई क्यों नहीं बोलते? बोले हमने तय किया है, पहले तो बोलते थे तरुण गोगोई, लेकिन अब ई नहीं बोलेंगे, अब तो बोलेंगे तरुण गो 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 गो। अब ई नहीं बोलेंगे, बोलते हैं असम की जनता ने तय कर लिया है, गो गो कांग्रेस गो कांग्रेस गो। आइए बहनों, यहां के मुख्यमंत्री श्रीमान तरुण गोगोई जी, ये सुबह शाम मोदी को याद करते, और वो कहते हैं मनो मन ऐसे पाए वाए कराकर, नहीं तो मोदी से लड़ाई। अरे गोगोई साहब, मैं तो आपसे बहुत छोटा हूं, आप इतने बड़े बुजुर्ग हैं, अब कुछ ही वर्षों में आप 90 साल के हो जाएंगे। मेरे तो संस्कार है आपका आदर करना, आपका सत्कार करना, आपको प्रणाम करना, मैं आपसे बहुत छोटा हूं। हमारी तो संस्कृति रही है कि बुजुर्गों का आदर करना, और बुजुर्गों की परंपरा रही है छोटों को आशीर्वाद देना। आप लड़ाई की बात करते, ये शोभा देता है क्या? अरे लड़ना है, लड़ना है गोगोई से नहीं, गरीबी से लड़ना है, लड़ना है बेरोजगारी से, लड़ना है अशिक्षा से, लड़ना है बीमारी से। भाइयों बहनों, हमें इन बीमारियों से मुक्ति चाहिए, और इसलिए जिनके कारण बीमारी आती है अगर उनको नहीं हटाओगे
तो बीमारी जाएगी क्या? बीमारी जाएगी क्या? बीमारी जाएगी तो बीमारी लाने वालों को पहले हटाना पड़ेगा ना। ये सारी बीमारी की जड़ पूरे देश में अगर कोई है तो उसका नाम कांग्रेस है। हर मुसीबत का कारण कोई है तो कांग्रेस पार्टी। न उनको देश की चिंता है, न उनको देश के नौजवानों के भविष्य की चिंता है, न उन्हें मां बहनों के इज्जत की चिंता है। मेरे भाई, मैं जितने सालों से इस इलाके में आ रहा हूं, एक बात मेरे मन को बड़ी छू जाती है और वो यहां पर माताओं का सम्मान, मां बहनों के प्रति आदर पूरे नॉर्थ ईस्ट में, बंगाल में भी मां बहनों के प्रति जो आदर भाव मैं देखता था, बड़ा गर्व होता था। क्या मेरे देश की महान संस्कृति है। श्रीमन शंकर देव, माधव देव ने क्या क्या महान परंपराएं बनाई। लेकिन जब ये सुनने को मिलता है कि महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार असम में हुए हैं, तो माथा शर्म से झुक जाता है। भाई बहनों, मुझे पीड़ा होती है। एक बालक कहीं ट्यूबवेल में गिर जाए, उसको निकालने के लिए सेना तक दौड़ करके लाई जाती है। मीडिया के लोग 24 घंटे रिपोर्टिंग करते हैं कि बच्चा ट्यूबवेल में पड़ा है, वो हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है, रोने की आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, अरे अंदर पानी पहुंच सकता है नहीं पहुंच सकता है, बच्चा कब निकलेगा। और पूरा देश टीवी के सामने बैठ जाता है देखने के लिए बच्चा का क्या हुआ। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, असम में प्रसूति में, प्रेगनेंसी में, डिलीवरी के टाइम सबसे ज्यादा बच्चों की मृत्यु होती है, सबसे ज्यादा माताओं की मृत्यु होती है। इन माताओं की जिंदगी कौन बचाएगा? आप कल्पना कर सकते हैं, 22-25-27 साल की महिला शादी की है, कितने सपने देखे हैं, और पहली ही प्रसूति में वो बेचारी मौत के शरण हो जाए, बच्चा भी मर जाए, कभी बच्चा बच जाए, उस परिवार का हाल क्या होता होगा। भाई, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आसाम सरकार को माताएं मरे उनको कभी बेचैनी नहीं होती, नवजात शिशु मरे उनको परेशानी नहीं होती। आइए बहनों, राजनीति अपनी जगह पर है, जय पराजय अपनी जगह पर है, इन मां बहनों का क्या दोष है कि उनको उनके नसीब पर छोड़ दिया जाता है, उनको मौत के हवाले कर दिया जाता है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, असम को ऐसी सरकार की जरूरत है जो संवेदनशील हो, ऐसी सरकार की जरूरत है जो सामान्य मानव के सुखों की चिंता करे। अभी हमने एक अभियान चलाया इंद्रधनुष, ऐसे बच्चे ऐसे परिवार जो इतने सालों की सरकार की उदासीनता के कारण वैक्सीन से छूट गए हैं, हमने बीड़ा उठाया कि कांग्रेस के जमाने में भी वैक्सीन में जो छूट गए हैं उन सबको भी एक बार वैक्सीन देकर के उनकी जिंदगी बचाई जाए। सारे देश में बड़े उत्साह के साथ सरकारों ने हमारा साथ दिया, नई पीढ़ी की जिंदगी बचानी है, उनको बीमारियों से बचाना है,
लेकिन मुझे दुख के साथ कहना चाहिए, इतना बड़ा अभियान, वैक्सीनेशन का इतना बड़ा अभियान, आने वाली कल को बचाने का अभियान, लेकिन असम सरकार सोती रही, होती है, चलती है, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। भाइयों बहनों, ऐसी असंवेदनशीलता, ऐसी उदासीनता भारत के भविष्य को बीमार कर देगी, बीमार कर देगी। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, असम को एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो असम को समस्याओं से बाहर निकाले, मुसीबतों से मुक्ति दिलाए, ऐसी सरकार की जरूरत है। भाइयों बहनों, मैं जब आज आपके पास आया हूं, ये मेरी तीसरी रैली है और मैं देख रहा हूं ये मैदान भी छोटा पड़ गया, उधर रास्ता भी पूरा भरा पड़ा है। मुझे पता नहीं उनको सुनाई देता होगा नहीं सुनाई देता होगा, मैं दूर दूर लोगों को देख रहा हूं। ये जो तूफान खड़ा हुआ है, ये जन सैलाब दिखाई दे रहा है, ये इस बात की गारंटी है कि अगली बार पक्का है, इस बार चुनाव का रिजल्ट आया, एक बात निश्चित है, असम का आनंद सर्वानंद, असम का आनंद, असम का आनंद, असम का आनंद, असम का आनंद। भाइयों बहनों, मुझे साफ देखा और मैंने सर्वानंद जी को मेरे साथ काम करके देखा, ऐसे तेजस्वी होनहार लोग सार्वजनिक जीवन में मिलना बड़ा मुश्किल है। ऐसे तेजस्वी होनहार मंत्री परिषद के मेरे साथी हैं, देश के युवाओं में उन्होंने एक नई आशा पैदा की है और आज भारतीय जनता पार्टी ने उनको फिर एक बार असम की सेवा के लिए आपको लौटा दिया है। मुझे विश्वास है कि सर्वानंद जी के नेतृत्व में जो नई सरकार बनने वाली है, बनने वाली पक्का है, वो असम के भाग्य को बदल देगी। भाइयों बहनों, कितने साल हुए असम रेल के लिए तरसता रहा, रोड के लिए तरसता रहा। अरे ब्रह्मपुत्र, जहां अंग्रेजों के जमाने में यातायात हुआ करता था, सारा ठप पड़ा है। अभी हम पार्लियामेंट में एक बिल लाए इनलैंड वॉटरवे का, ये इनलैंड वॉटरवे नदियों के अंदर जहाज चलाना, छोटे छोटे जहाज चलाना, लोगों को भी ले जाना, सामान को भी ले जाना, व्यापार को भी बढ़ाना, इसका एक कानून पास किया। इसका सबसे ज्यादा किसी को फायदा होने वाला है तो ब्रह्मपुत्र के साथ जुड़े लोगों को होने वाला है। इतना व्यापारिक दृष्टि से विकास होने वाला है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अभी दो दिन पहले हमने बांग्लादेश के साथ एक उद्घाटन किया, आज वक्त बदल चुका है, मोबाइल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, डिजिटल इंडिया का जमाना है, अब कोई दुनिया से डिस्कनेक्ट रहने को तैयार नहीं है, लेकिन मोबाइल फोन पर कुछ देखना है करना है तो आता ही नहीं, क्यों? भाइयों बहनों, हमने बांग्लादेश के साथ समझौता करते हुए पूर्वी हिंदुस्तान में एक गेटवे ले लिया,
और इसके कारण असम हो नॉर्थ ईस्ट हो सबसे ज्यादा बैंडविड्थ कंप्यूटर चलाने के लिए मोबाइल चलाने के लिए बच्चों की पढ़ाई के लिए वो काम आने वाली है। इतना बड़ा काम इस सरकार ने अभी दो दिन पहले कर दिया है। असम में घुसपैठ रोकनी चाहिए घुसपैठ बंद होनी चाहिए असम यहां नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। भाइयों बहनों उस काम को मैंने बड़े तूफान की तरह उठाया है और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं दिल्ली में बैठी हुई सरकार वो प्रबंध कर रही है कि कोई घुसपैठिया अब असम की धरती पर पैर नहीं रख सकता है। और एक बार आपने सरकार बना दी असम में सरकार बना दी तो दिल्ली सरकार यहां आने नहीं देगी और असम में नई सरकार आए हुओं को जाने की व्यवस्था कर देगी, असम का भाग्य बदल देंगे। भाइयों ये काम हम करने के लिए और इसलिए मेरे भाइयों आखिरकार सामान्य मानवी को क्या कहते पानी पीने का चाहिए। मैं हैरान हूं हिंदुस्तान में औसत जितने घरों में पानी पहुंचता है असम में इतना पानी होने के बाद भी पीने का शुद्ध पानी आधे से ज्यादा लोगों को नसीब नहीं होता। आजादी के 60 साल के बाद अगर पीने का पानी न मिले तो भाइयों बहनों देश लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकता। असम का नौजवान लंबे समय के लिए इंतजार नहीं कर सकता। बिजली मैं हैरान हूं भाइयों असम में 60 साल से कांग्रेस राज कर रही है लेकिन 60% घरों में अभी भी बिजली नहीं पहुंची है। 60 साल राज किया और 60% लोग आज भी पुरानी जिंदगी अंधेरे में गुजार रहे हैं। क्या असम के लोगों का क्या गुनाह? कांग्रेस पार्टी जब चुनाव आता है तो श्रीमंत शंकर देव को याद करते हैं, माधव देव को याद करते हैं, लेकिन माधव देव कला केंद्र का क्या हुआ भाई? हुआ कुछ क्या? इतना छोटा सा काम भी करने की उनमें तैयारी नहीं है, इरादा नहीं है, नियत साफ नहीं है। भाइयों भारत सरकार ने भी पैसे दिए वो पैसों का हिसाब देने को तैयार नहीं, ये हाल सरकार। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों असम का भाग्य बदलना है। असम के गांव गांव रोड बनाने हैं, असम के घरों तक पानी पहुंचाना है, असम के हर घर में बिजली का तार बिजली का बल्ब ये लगना है, यहां के नौजवान को रोजगार मिलना है, यहां के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी है, यहां के बुजुर्गों को जरूरी दवाई मिलनी है। अगर ये करना है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ही कर सकती है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों मैं आज आग्रह करने आया हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी सर्वानंद जी के नेतृत्व में यहां नई सरकार बनाइए। दिल्ली आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलेगा। आपके सपने 60 साल से जो जुड़े हैं उसको हम पूरा करके रहेंगे। आखिरकार क्या चाहिए? बच्चों को पढ़ाई चाहिए, नौजवान को कमाई चाहिए, बुजुर्गों को दवाई चाहिए, क्या ये मिलना चाहिए कि नहीं? और इसीलिए भाइयों बहनों मेरे तीन एजेंडा है।
इस काम को करने के लिए मेरे तीन एजेंडा है। पहला एजेंडा विकास, पहला मेरा एजेंडा है विकास। दूसरा एजेंडा है तेज गति से विकास, और तीसरा एजेंडा है चारों तरफ विकास। विकास विकास विकास, यही एक एजेंडा है जो हिंदुस्तान का भी भाग्य बदलेगा, आसाम का भी भाग्य बदलेगा, यहां के जीवन में बदलाव आएगा। हमने सपना देखा है, इस देश का कोई गरीब से गरीब परिवार भी बिना छत को नहीं होना चाहिए। गरीब से गरीब व्यक्ति को भी उसका अपना घर होना चाहिए। आजादी के बाद आज भी करोड़ों परिवार ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। मैंने बहुत बड़ा सपना उठाया है, बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार को घर देने का सपना लेकर के। 2022 भारत की आजादी के 75 साल होंगे, हम देश के गरीब से गरीब को घर देने के लिए अपना काम आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमें आपके आशीर्वाद, अगर कांग्रेस की सरकार रही तो होने वाला नहीं, क्योंकि अभी गरीबों को घर बनाने के लिए जो पैसे दिए हैं भारत सरकार ने, सिर्फ एक तिहाई रुपये वो खर्च कर पाए, दो तिहाई बैंक में सड़ रहे हैं। ऐसी सरकार को पैसा देंगे तो भी काम नहीं होने वाला, इसलिए आसाम में काम करने वाली सरकार चाहिए, आपके सपनों को पूरा करने वाली सरकार चाहिए। आइए भाइयों, चुनाव 4 तारीख को हो या चुनाव 11 तारीख को, इस बार बटन दबा करके सिर्फ सरकार बनाने के लिए बटन नहीं दबाना है, इस बार जब मतदान करने जाओगे बटन दबाओगे वो असम के विकास के युग का आरंभ करने के लिए बटन दबाना है। एक नया विकास का युग का आरंभ हो इसलिए बटन दबाना है। बहुत बड़ी मात्रा में मतदान होना चाहिए, पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी और साथियों की सरकार बननी चाहिए। आधा अधूरा मत करना भाई, बहुत बर्बाद हो चुका है कौरों के द्वारा आसाम, अब आसाम को एक बार 5 साल के लिए मेरे साथ चलने का मौका दीजिए, आप देखिए हमें कहां से कहां पर। और इसलिए इस चुनाव में एक निर्णायक मतदान कीजिए, भारी मतदान कीजिए, और एक पूर्ण बहुमत वाली ताकत वाली सरकार बनाइए, आप देखिए आसाम आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। आपने त्याग दिया, सम्मान दिया, बहुत बड़ी मात्रा में लोग आए, मैं आपका बहुत आभारी हूं। सभी उम्मीदवारों से मेरा आग्रह है कि आ जाइए, आकर मेरे साथ बोलिए भारत माता की, पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।